देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा जो 16 सितंबर से लोगों को मनाया जा रहा है, इसमें प्रयागराज मंडल ए भैया विनय भैया विनय भैया हम लोगों ने अभी मीडिया के साथ में जो फोटोग्राफ वगैरह भी शेयर की है, इसमें जो मेन इवेंट है वो कल होना है। उसमें 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारे देश को श्रमदान के लिए आह्वान किया गया है, और उस आह्वान पर हम लोग कल बहुत पूरे प्रयागराज मंडल में हम लोगों ने 300 जगह को चिन्हित किया है, और जिसके ऊपर हम सभी लोग अधिकारी कर्मचारी सभी श्रमदान करेंगे, और साथ में हम लोग ने पब्लिक के पार्टिसिपेशन के लिए भी उनका आह्वान किया है। उसी के क्रम में हम मीडिया बंधुओं से भी हमने आग्रह किया है कि उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि हम एक रेजोनेंस ऑफ क्लीनलीनेस पूरे देश में एक माहौल क्रिएट कर सकें कि हम इस देश को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और समृद्ध। अब तक जो पखवाड़े का कार्यक्रम रहा है, ये जो पखवाड़े का जो कार्यक्रम रहा है वो पूरे के पूरे मंडल में हुआ है। हर दिन के लिए एक स्पेशल थीम था, और हर थीम के ऊपर हर स्टेशन पर उस दिन कार्य किया गया है। वो सभी चीज़ों की प्रगति आप लोग देख भी सकते हैं, इसका स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर उपलब्ध भी है, और उसमें हमें लोगों को बहुत संतुष्टि है कि इसमें हमें अपने ही कार्य में जो हमें कमियां थी उनका पता चला, और हम लोग उसको और बेहतर कैसे बना सकें। उसमें हम लोगों ने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया, तो हमने मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया, तो उसमें पता लगा कि हमारी कार्यप्रणाली में क्या त्रुटियां हैं, तो उसको हमें सुधारने का मौका मिला, और अब हम आगे उसके कारण और बेहतर सेवा दे सकते हैं। सर, स्टेशन के साथ ट्रेनों को किस तरह की उसमें देखिए, जो ट्रेनें जो चलती हैं उसमें भी स्वच्छता के लिए पहले से ही आपको क्लीन ट्रेन स्टेशन का प्रावधान है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कल माननीय रेल मंत्री जी स्वयं लॉन्च करने वाले हैं, जिसे 14 मिनट मिराकल का नाम दिया गया है, जो कि वंदे भारत ट्रेन के लिए स्टार्ट किया गया है। उसमें जो ट्रेन प्लेटफॉर्म से ही रिटर्न हो जाती हैं, वो नॉर्मली ये पाया गया था उनमें साफ़ सफाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो वो ट्रेनों के लिए भी साफ़ सफाई की व्यवस्था 14 मिनट में पूरी की पूरी एक टीम वेल ट्रेन वेल ड्रिल्ड टीम जाएगी, और वो स्वच्छता को देने की प्रयत्न करेगी। तो ये इस तरीके के सारे इनिशिएटिव्स किए जा रहे हैं। आप भी अब देख रहे होंगे कि जो हमारे स्टेशन हैं उसमें हमारे जो सफाई कर्मी हैं या जो स्टाफ है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म में मिलता है, और वो वेल ट्रेन और वेल ड्रिल्ड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इनकी ट्रेनिंग और ड्रिलिंग के आस्पेक्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। साथ में हम लोगों ने NGOs और ये गंगा टास्क फोर्स है जो नमामि गंगे के अंतर्गत है, उन लोगों की भी सहायता ली है कि वो लोग हमारे स्टाफ को ट्रेन करें, जिससे कि वो और बेहतर सुविधाएँ यात्रियों को दे सकते। इसमें हमने अपने करीब 125 स्टेशन हमारे पास है, 125 स्टेशन सभी 125 स्टेशनों पे इस अभियान को चलाया गया, और जो कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसके अनुसार डे वाइज एक प्रोग्राम था, उसको हमने फॉलो किया है। हर दिन की एक थीम थी, इस दिन क्या करना है, और एक विशेष रूप से मंडल प्रबंधक महोदय के निर्देशन में एक ग्रुप बनाया गया है इसके लिए, और उस ग्रुप में लगातार सारे सबको ऐड किया गया, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे SS और सुपरवाइजर्स ऑफिसर्स सबको, और सबने मिल करके काम किया, और उस पर लगातार फोटोग्राफ डाले जो पहले था और बाद में था। आपको हमने यहाँ पे अभी उसका दिखाया थोड़ा सा आपको कि किस तरह से परिवर्तन आया है पूरे मंडल में, और बहुत काम हुआ है इस बीच में। तो जो ये डे वाइज कार्यक्रम पर ब्रीफ करूँगा मैं आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने 16 तारीख शुरू हुआ था। 16 को हमने सबसे पहले शुरुआत की स्वच्छता शपथ लेकर के, और स्वच्छता जागरूकता दिवस मनाया हमने उसे, जिसमें सभी रेल अधिकारियों ने कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारियों ने सबने स्वच्छता शपथ लिया हर एक स्टेशन पर हर एक ऑफिस में, और इसके लिए इस पखवाड़े के लिए स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। 17 तारीख को स्वच्छ संवाद दिवस मनाया गया, जिसमें सभी स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, सफाई मशीनों को चेक किया गया, डस्टबिन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, नालियों और शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, और लोगों को जागरूक, जो हमारे यूजर्स हैं उनको भी जागरूक किया गया कि किस तरह से स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखा है। फिर 20 और 21 नवम्बर को स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस मनाया गया, इसमें जो VHS हमारा ऑन बोर्ड जो हेल्थ सिस्टम है उसका